चुनाव के समय में अपने जो आला अधिकारी रहते हैं, जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व रहता है, हम लोग भी उनके पास एक एप्लीकेंट करते हैं कि मैं भी आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं भी चुनाव में लड़ना चाहता हूं। और चुनाव लड़ने के लिए मैं लगातार, चाहे ये 58 लोकसभा में, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे बलरामपुर, दोनों जिला मिलाकर एक लोकसभा बनता है, तो लगातार अब 58 लोकसभा में मुझे जाना तो बलरामपुर भी मैं देख रहा हूँ, लगातार मेरे पोस्टर लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं। अब ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि अगर टिकट देगी तो चुनाव में लड़ा जाएगा, अगर नहीं देगी तो जिसको भी अगर हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे अगर टिकट देंगे तो उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। उनके साथ जिस तरह अपनी मेहनत कर रहे हैं उस तरह उनके लिए मेहनत करें। ये मेहनत केवल पार्टी की हो रही है, हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि यहाँ 58 लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी उम्मीदवार जीत के जाए, क्योंकि जब जब कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ जीत के गया तो क्षेत्र में तमाम विकास हुई है, इसका प्रारूप आप लोग सब देखे हैं और जानते भी हैं। विपक्ष के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, विपक्ष तो आप पूरे हिंदुस्तान में जान ही रहे हैं कि कई बार हमारे यहाँ मंत्री आए, इसका ज्ञान में रेलवे लाइन के मंत्री आए और वो कहते थे कि हम रेल लाइन बिछा देंगे, कई बार कह रहे हैं लगातार, लेकिन अभी तक रेलवे लाइन की पटरी ना बिछी है, ना रेलवे लाइन का कहीं कागज में दिख रहा है। हमारे यहाँ ये पर्यटन के एक पर्यावरण उसके मंत्री आते हैं, उसके क्या नाम है, हवाई अड्डा के, तो वो कहते हैं कि बस आज एयरपोर्ट चालू कर देंगे, कल चालू कर देंगे, परसों चालू कर देंगे, और लगातार 10 साल हमारे ख्याल से केंद्र में सरकार पूरा होने जा रहा है और 6 साल राज्य में भी पूरा हो गया है, लेकिन वो भी नहीं चालू हुआ है हमारे। वो तो छोड़िए, छोटी सी बात है, इकोना बस अड्डा, लगातार कई बार परिवहन मंत्री आए, कई बार हमने सवाल भी किया जिला के उसमें मीटिंग में, हमने कहा माननीय मंत्री जी आप तो जब भी आते हैं तब यही कहते हैं कि बस अड्डा चालू हो जाएगा। श्रावस्ती जनपद और हमारे ख्याल से बलरामपुर जनपद इतना पिछड़ा जनपद है, ऐसे में कोई भी भाजपा का अगर मंत्री बाहर से आता है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, खाली जुमला देकर मीडिया के सामने चला। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।